कोरोना वायरस के रिकवरी को लेकर मालेगांव शहर एक पैटर्न बनता जा रहा है। जिस नासिक शहर ने ये कहा था कि मालेगांव शहर के पेशेंट को नासिक में नहीं लाने देंगे, नहीं लाना चाहिए। मालेगांव पैटर्न क्या है और किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, आज डॉक्टर परवेज फैजी और डॉक्टर शोएब सर ने नासिक वालों को बताया। जनाब यूसुफ हाजी साहब ने काफ़ी मदद करके डॉक्टर को खुद साथ में ला के उपलब्ध करके हम सबकी बहुत सी मदद किए, और जब भी हमने उनको फ़ोन किया है कि हमको डॉक्टरों की ज़रूरत है, हमको टीम की ज़रूरत है, उन्होंने कभी भी लब्बैक बोल के कभी भी हमको हाजिर किया। और हमारी जो भी ज़रूरत उनसे पड़ती है फ़ोन पे हम रابطہ कायम करते हैं और वो हमारे के लिए बहुत मदद करते हैं। अभी हम नासिक शहर में मौजूद है। जिस तरह से पूरा देश ये जानता है कि मालेगांव शहर एक हॉटस्पॉट बन गया था और काफ़ी अच्छी रिकवरी मालेगांव शहर में की गई थी, अब कहीं ना कहीं ये बातें सामने आ रही है कि नासिक शहर में काफ़ी तेज़ी से कोरोना के पेशेंट पाए जा रहे हैं। हमने देखा था रमज़ान के टाइम मालेगांव की हालत ऐसी थी कि हमारे को डेली फ़ोन आता था कि मालेगांव में डेली इतने लोग मर रहे, इतने लोग मर रहे। एक महाराष्ट्र में एक हॉटस्पॉट बन चुका था मालेगांव, एक बदनाम हो चुका था। अनाज वही मालेगांव अपना सफाया धो रहा है कि नहीं, मतलब आज मालेगांव में इतना अच्छा नाम हो गया कि महाराष्ट्र से लोग आ रहे उधर मालेगांव में कि मालेगांव में कैसा इलाज हुआ और मालेगांव के लोग कैसे ठीक हुए। आज मालेगांव में मास्क भी उतारना लोगों ने बंद कर दिया है। तो हमारा एक हाजी इस्माइल साहब जो हमारे राष्ट्रवादी के माइनॉरिटीज उपाध्यक्ष है, इनसे हमारा रास्ता कायम हुआ और रास्ता कायम होने के बाद उनसे हमारी बात हुई कि हाजी साहब मालेगांव तो अच्छा हो गया, हमारे नासिक को संभालो। और एक नासिक को ऐसा संभालो कि यहाँ हमारे सब हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सबके लिए मदद करो। यहाँ आए इनका जो डर है ये डर भी काढ़ो और कुछ हमारे को मालेगांव के आज कुछ डॉक्टर लोग भेजिए ताकि यहाँ पर कुछ लोगों का हमारा इलाज अच्छे से हो जाए, इनका डर भी निकल जाए। और जिस तरह के मालेगांव की ज़मीन पर रह के आपने काम किए, वैसा हम चाहते हैं कि भाई आप भी नासिक को मालेगांव समझ के एक मालेगांव जैसा ट्रीटमेंट करो और यहाँ के लोगों का डर काट के और इनका अच्छे से इलाज करिए। सूफी साहब, आपको एक बात पता है कि जब मालेगांव शहर हॉटस्पॉट बना था तो आपके यहाँ के कुछ नेताओं ने मालेगांव शहर का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि वो पेशेंट, मालेगांव के पेशेंट नासिक में नहीं आने चाहिए, लेकिन आज हमारा मालेगांव शहर आपके पीछे एक डट के खड़ा है, हमारे मालेगांव शहर की टीम यहाँ पर आई है, तो आप क्या कहेंगे? मैं भी तो एक नेता हूँ, मैं तो विरोध नहीं किया हूँ, मैं तो इनका स्वागत कर रहा हूँ। स्वागत करके एक इनका इस्तकबाल कर रहा हूँ कि जिस तरह से मालेगांव के लोगों को यहाँ लोगों ने रुकाए थे, आज मैं खुद मालेगांव की टीम ला के इधर मालेगांव का स्वागत कर रहा हूँ और उनसे अपील कर रहा हूँ कि जिस तरह मालेगांव के लोगों ने वहाँ के लोगों की मदद की है, बस नासिक में आके ऐसी मदद की है कि इनका पूरे महाराष्ट्र लेवल में यहाँ से नाम है। मालेगांव में कोरोना का बड़ा जोर रहा, उसके बाद मालेगांव से कोरोना बहुत कम हो गया। इस बात को लेकर के सब तरफ बड़ी चर्चा है, लोग हमारे ऊपर बहुत भरोसा कर रहे हैं कि मालेगांव के डॉक्टरों ने कुछ तो भी ऐसा किया है जिससे कोरोना चला गया। अल्लाह, हालांकि मैं ये जानता हूँ अल्लाह के करम से सिर्फ कोरोना अच्छा हुआ है। मालेगांव पैटर्न बोल के कोई ख़ास बात ऐसी नहीं है, बस जो सब तरफ ट्रीटमेंट चला है अल्लाह ने उस पर हम लोगों को, चाहे हमारे अकीदे की वजह से, ईमान की वजह से दिया हो या रमज़ान की वजह से, अल्लाह ने हम लोगों को शिफा दी है। बहरहाल इससे पहले हम जलगांव भी गए, अभी ये नासिक आया हूँ। नासिक में यहाँ के सब हमारे भाई लोग हैं, इन लोगों ने बुलाया था कि यहाँ पे आकर के आप हमारे मरीजों को भी देखें और हमारे डॉक्टरों से भी बात करें ताकि हम लोगों को मालेगांव पैटर्न से इलाज हो रहा है ये इस बात को लेकर आवाम में चर्चा हो जाए और डॉक्टरों में चर्चा हो जाए तो हमारे यहाँ लोगों को ढारस बन जाएगी। वही ढारस बनाने के लिए हम लोग आए हैं। हालांकि ट्रीटमेंट में कोई ऐसी खास बात नहीं है, जो लोग डर रहे हैं उन लोगों से ये मैं ख़ास तौर से अपील करता हूँ, चाहे डॉक्टर्स हों चाहे मरीज़ हों, डरना बंद कर दें। ये कोरोना कोई इतनी आसानी से एक से दूसरे को नहीं लगती। आप सोशल डिस्टेंसिंग बराबर से मेंटेन करेंगे, सैनिटाइजर्स यूज़ करेंगे, मास्क इस्तेमाल करेंगे, आप उसके करीब थोड़ा एक मीटर दूरी बना रखेंगे, कोई मसला नहीं आता। डॉक्टर मरीज़ को चेक करता है, फ़ौरन कोरोना उसको नहीं हो जाता। अपने लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए और अल्लाह पर भरोसा रख के काम करना चाहिए। इंशाल्लाह नासिक से बहुत जल्दी ये कोरोना भी चला जाएगा। नासिक वालों को क्या नासिक वालों के लिए यही मशवरा है कि जिस तरह मालेगांव के डॉक्टरों ने बिला खौफ उनके घरों पे जा करके उनको बुला करके उनको हाथ लगा करके जिस तरीके से उन लोगों ने आम पेशेंट को इलाज किया है, जब तक के किसी कोरोना बाधित से उनको एकदम कंफर्म नहीं है कि ये कोरोना पॉजिटिव, उससे बिला वजह दूरी बनाए रखना ये बात अच्छी नहीं है। आम बीमारियों का इलाज करना चाहिए और आम बीमारियों से पेशेंट बाकी के मरीज़ों को राहत मिल जानी चाहिए ताकि उनकी कुव्वत मुदाफ़त बनी रहे, वरना आम बीमारी के
चलते उनके कुव्वत मुदाफ़त कम हो गई तो उनमें भी कोरोना आने का चांस रहेगा, इसलिए उन लोगों का इलाज खास तौर से हो जाना चाहिए और किसी को डरने वरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बिला खौफ होकर के मरीज़ों का इलाज कीजिए। मरीज़ों से भी ये इस्तेदा है कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, घरों में रहें और इलाज के लिए आएँ तो बिला तकल्लुफ़ आएँ, ज़्यादा छुपा करके ना रखें, आ करके यहाँ पर इलाज करें। ये सेंटर जो इन लोगों ने खोला है, अल्लाह इन लोगों को जज़ाए खैर दे। यहाँ पे मरीज़ आने के लिए उनका इन लोगों पर भरोसा है और इसी भरोसे को बढ़ाने के लिए हम लोग मालेगांव से यहाँ पे आए हैं कि इस सेंटर पे मरीज़ों का भरोसा बढ़ जावे और अल्लाह हमसे एक काम ले ले। अल्लाह करे कि कोरोना जल्दी से जल्दी नासिक को भी छोड़ देवे। चार दिन पहले यहाँ एक विज़िट किया और मंसूरा का काढ़ा वगैरह भी इनको दिया और इन्होंने कहा कि डॉक्टर की टीम जो यहाँ पर डॉक्टर्स जो हजरात है वो थोड़ा सा पेशेंट को देख नहीं रहे, ऐसी यहाँ पर थोड़ी सी कंप्लेंट थी। तो मालेगांव की जो टीम जो इसमें काम कर रही थी कोरोना में, तो उनको लेकर के आज सुबह से यहाँ पर डॉक्टर अजाद, डॉक्टर शोएब साहब और डॉक्टर फैजी साहब और राहिल, ये अजाद जो है ये पेशेंट को देख रहे हैं और तकरीबन दोपहर से लेकर अभी तक के 150 पेशेंट जहाँ तक के चेकअप हुआ है। बाकी की जो मालूमात है डॉक्टर आज़ाद जो है उनको मेडिसिन गोली दवा दे रहे हैं और नासिक के लोगों के आह्वान करूँगा मैं कि आपको इस बीमारी से डरना नहीं है, इसका मुकाबला करना है। जैसा कि हम ज़रूरियात ज़िंदगी हम जैसा रहते हैं वैसा रहना पड़ेगा और इसका मुकाबला हमें डट कर करना पड़ेगा।